हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है फ्रेंड मेरे ब्लॉग में, पूजा कुमार ब्लॉग में। एक अच्छे से ब्लॉग के साथ और एक अच्छे से नई अच्छी सोच के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे चार पराठे बनाऊँगी। देखते आज के ऐसे हमारे अपना प्यार बता रहे हैं। ये स्कूल नहीं है यहाँ लड़की कहने गई है, कहने गई है बता स्कूल तो फ्रेंड बने गई है वार्षिक पूरा पूरा ब्लॉग बनना है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए चाय और साथ में सोच रही हूँ पराठे भी बना दूँ। और आज बच्चे नहीं गए मेरे स्कूल। देखिए फ्रेंड यहाँ पे छोटी वाली बेटी बैठी हुई है, ये जग के आ चुकी है। बड़ी वाली अभी सो रही है। तो यहाँ पे देखिए चाय बना लेती हूँ फटाफट से। मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट यहाँ से की है। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, सीधे किचन में मिली हूँ आपसे। तो फ्रेंड देखिए थोड़ा फेस टू फेस मिलना भी ज़रूरी है आपसे ब्लॉग में, तो इसलिए मैंने आज अपने साथी अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था आपसे गुड मॉर्निंग बोलकर। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मेरा वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता कर लिया और मैं यहाँ पे सब्जी में आज बना रही हूँ बीन्स आलू। लाइट चले गई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड जो गर्मी होती है तो गर्मियों में थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पे चली जाती है, वैसे तो नहीं जाती है। और देखिए बीन्स आलू मैंने यहाँ पे छोड़ दिए और मैं अपना मसाले डालते समय अपना वीडियो भी नहीं चालू कर पाई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि थोड़ी मेरी बड़ी बड़ी बेटी उसकी तबीयत ख़राब हो गई है इसलिए। देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी तो छौंक दी है, मैंने सोचा चलो कमरे में कपड़े पड़े हैं उन्हें भी तय कर देती हूँ। ओढ़ने वाले चादर वद्दर उन्हें भी मैं सही से घड़ी कर देती हूँ। तो ऐसा है जब बच्चे स्कूल नहीं जाते उस दिन तो और भी टाइम काम और भी लेट हो जाता है। आराम आराम से करती हूँ, काम ही तो है तो इसलिए मैं आराम आराम से करती रहती हूँ धीरे धीरे से। मेरा कमरा आप देख सकते हो इतना ही बड़ा है, उतना ही बड़ा मेरा बेड है। हमें इस पर चल के जाना पड़ता है। उधर मेरा बाथरूम है बालकनी की तरफ, हम उधर बेड पर चढ़ के जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा रूम है, मेरा कमरा है फ्रेंड। एडजस्ट कर रही हूँ अभी तो, मैं इसी में रह रही हूँ। शादी हुई थी तब से मैं इसी में रह रही हूँ। छोटा या बड़ा हो लेकिन अपना तो अपना ही होता है, इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, एडजस्ट मैं कर लेती हूँ। तब तक मैंने कमरे को साफ़ किया, तब तक यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी और इसमें मैंने गरम मसाला नहीं डाला था तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। सब्ज़ी भी यहाँ पे पक चुकी है। अब मैं इस फटाफट से पराठे भी बना लेती हूँ। आज मन कर रहा है सादा पराठों का, इसलिए मैं पराठे भी बना रही हूँ। सुबह नहीं बना पाई थी, सुबह तो मैंने ऐसे रख दिया, तो एक घंटे बाद ही मैं आई हूँ फिर खाना बनाने के लिए। यहाँ पर मैं तीन परत वाले और सादा वाले गोल वाले भी बनाऊँगी पराठे। मैं दोनों तरीके के यहाँ पे बना लूँगी और खाने में बहुत ही टेस्टी यम्मी बीन्स के आलू बने हैं आज। तो फ्रेंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा और मैं अच्छा बनाऊँ वीडियो। तो ऐसा है कि मैं अभी नई नई यूट्यूबर हूँ, नया नया चैनल है मेरा, तो मुझे अभी समझ नहीं आता है। मैंने नया नया ही खोला, मैं जो भी सीखती हूँ मैं यूट्यूब से ही सीखती हूँ। तो ऐसा फ्रेंड मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे गलती भी कर देती हूँ, उसे माफ़ करिए और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए और आप पूरा वीडियो देखा करिए। मैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनसे थोड़ा बहुत सीखती हूँ देखकर वीडियो में, यूट्यूब से थोड़ा देखकर ही सीखती हूँ किसी से। ऐसा कि हम किसी को देखेंगे तभी तो देख कर ही आगे बढ़ते हैं, शिक्षा हो या ज्ञान हो। तो ऐसा हम जो हमसे बड़े होते हैं हमें उनसे ही मिलता है। तो मेरी यही आशा है कि आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपको थोड़ा सा आगे भी वीडियो दिखाती हूँ अभी, और पूरा देखना वीडियो।
आइए फ्रेंड खाना खा लीजिए। लाइट यहाँ पे चली गई है इसलिए मैं बैक कैमरे से आपको खाना दिखा रही हूँ। ये हैं बीन्स आलू जो मैंने बनाए थे, यहाँ पे पराठे बनाए हुए हैं, आप सभी खा लीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर दूँगी, कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।